प्यारे बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के पीरियड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम दर्शन कोण और आवर्धन क्षमता के विषय में जानेंगे। दर्शन कोण से क्या है, क्या तात्पर्य है? देखिए, दर्शन कोण जितना बड़ा होता है वस्तु उतनी ही हमें बड़ी दिखाई देती है, ये दर्शन कोण की विशेषता है। देखते हैं कि आप दूर की वस्तुएं हमें बहुत छोटी दिखाई देती हैं क्योंकि वो छोटा दर्शन कोण बनाती हैं हमारी आँख पर। तो देखिए, आइए देखते हैं इसको। दर्शन कोण, कोई वस्तु हमारी आँख पर जितना कोण बनाती है उसे दर्शन कोण कहते हैं। उस वस्तु का हमारी आँख को दिखाई देने वाला आकार दर्शन कोण पर ही निर्भर करता है। दर्शन कोण जितना बड़ा होता है वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देती है। चित्र में वस्तु ए भी, देखिए चित्र बना हुआ हमारा, वस्तु ए भी ये वाली है, वस्तु ए भी आंख पर दर्शन कोण अल्फा, ये वाला अल्फा बनाती है, तथा रेटिना पर प्रतिबिंब सी डी, ये वाला बन रहा सी डी। ये आंख का चित्र है, गोला है आंख का, ये लेंस लगा हुआ आंख का, और ये रेटिना का लता पीछे का हिस्सा, जैसा आपको बता चुके हैं पिछले उसमें। तो अब इसने सी डी चित्र बनाया, इसका प्रतिबिंब बना दिया, तो आंख पर पहले से बड़ा। अब देखिए, बाद में जब वही वस्तु आंख के समीप A1B1 ये वाली पास में पहुंच गई स्थित में लाई जाती है, तो आंख पर पहले से बड़ा दर्शन कोण बीटा बनाती है, तथा रेटिना पर पहले से बड़ा प्रतिबिंब CD1 बनता। अतः वही वस्तु अब आंख को पहले से बड़ी दिखाई देने लगती है। इससे स्पष्ट है कि किसी वस्तु को बड़ा देखने के लिए दर्शन कोण को बढ़ाना चाहिए। दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी द्वारा दर्शन कोण को बढ़ाकर ही हम वस्तुओं को आभासी आकार को बढ़ा सकते हैं, वस्तुओं के आभासी आकार को बढ़ा सकते हैं। बहुत दूर स्थित वस्तुएं जैसे चंद्रमा आकार से बहुत बड़ी होने पर भी बहुत छोटी दिखाई देती है, क्योंकि वह आंख पर बहुत छोटा दर्शन कोण बनाते हैं। इसे बड़ा देखने के लिए इनकी दूरी कम कर नहीं कर सकते हैं। बहुत दूर है चंद्रमा स्थित है, तो उसको बड़ा देखने के लिए हम इसकी दूरी तो कम नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं? परंतु यदि हम उपयुक्त लेंसों की सहायता से दूर स्थित वस्तु का छोटा प्रतिबिंब आंख के निकट बना छोटा प्रतिबिंब हम आंख के निकट बना लें, तब प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनेगा। यानी हम चंद्रमा जो दूर है उसका प्रतिबिंब आंख के निकट किसी युक्ति द्वारा, लेंस के द्वारा या किसी दूरदर्शी द्वारा हम एक बड़ा प्रतिबिंब उसके आंख के निकट बना लें जो आभासी होगा, तो उस के प्रतिबिंब के द्वारा जो हमारी आंख पर दर्शन कोण बनेगा वो बड़ा बनेगा, इसलिए वस्तु हमें बड़ी दिखाई देने लगेगी। तब प्रतिबिंब वस्तु द्वारा आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनेगा तथा हमें वही वस्तु बड़ी दिखाई पड़ेगी। दूरदर्शी ठीक इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अब दूसरी चीज है इसमें आवर्धन क्षमता। किसी भी यंत्र की आवर्धन क्षमता किस प्रकार निकालते हैं, क्या होती है? देखिए, किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता यंत्र द्वारा बनाए गए अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है उसके द्वारा बना दर्शन कोण बाद वाला क्या बताया, बीटा, तथा बिना यंत्र के द्वारा वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को हम उस यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसको हम M से दर्शाते हैं, कैपिटल M से, और M बराबर होता है बीटा बटे अल्फा, ये आवर्धन क्षमता। यदि आवर्धन क्षमता हम किसी भी यंत्र की निकालेंगे इसी सूत्र से निकालेंगे। अब जैसे हमारे पास इसके आगे आपको सरल सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, और खगोलीय दूरदर्शी है, अपवर्ती परावर्ती, ये इसके आपको कोर्स में है, इनको हम देखेंगे, इसकी क्रियाविधि समझाएंगे आगे को, और नेक्स्ट पीरियड में जब आएगा तो
तो आज के पीरियड में बस इतना ही, और कल फिर नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।